बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं साहिबा बानो ले चलती हूँ झांसी की कुछ अहम खबरों की ओर। मऊरानीपुर के एक गांव में एक युवक द्वारा युवती के साथ मारपीट कर छेड़खानी की गई। युवती व उसके परिजनों ने घटना की सूचना कोतवाली पुलिस को देकर कानूनी कार्यवाही करने की मांग की है। जानकारी के अनुसार मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक ग्राम में हैंडपंप से पानी भर रही युवती के साथ एक युवक द्वारा बिना वजह गाली गलौज करने एवं विरोध करने पर युवती के साथ मारपीट कर छेड़खानी कर दी। शोर मचाने पर युवक जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। घटना की सूचना युवती ने परिजनों को दी व परिजनों के साथ युवती मऊरानीपुर कोतवाली पहुंची, जहां छेड़खानी का आरोप लगाते हुए कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। मऊरानीपुर से संवाददाता जगदीश की रिपोर्ट। किस गांव से आई हैं आप लोग? किस बात की शिकायत है आप लोगों को यहां पे? आप शिकायत भाई सब कुछ बात नहीं है, हम लोग खेत पर गए थे, खेत पर दे रहे थे तो अकेली बच्ची थी और हमारी दादी मम्मी थी, तो जब पानी भरने नहाने के लिए गई हूँ रकम पर तो उन्हें रास्ते में छेड़खानी की, इनने जबरदस्ती इनने जो छूट के भागी तो उसने फावड़ा मिल गया तो उसने मुझे फावड़ा लगा दी। बस मारपीट हुई है बच्ची के साथ में तो कुछ हुआ? मारपीट हुई है, वो छेड़खानी की उनने, अब जबरदस्ती की लेकिन वहाँ कोई नहीं था। कौन लोग थे वो? वो संदीप सिंह का रहा है। कहाँ के हैं? चुराड़ा। कितने समय की घटना है? 12 बजे लगभग। उससे शिकायत की आपने? हाँ किया सर। अभी क्या हुआ? अभी कुछ नहीं हुआ। क्या घटना हुई है आपके साथ में? हमारे साथ में पानी भरने के लिए गए तो परिहार की लड़की संदीप ने हमें गाली गलौज दी, फिर हमने उसे जवाब दिया तो उसने और जबरदस्ती की वो छेड़खाने की, उसके बावजूद हम भागना चाहे तो उसने कस्सी घर से ले आके वो मुड़ी में मार। कितने लोग थे? कौन? वो अकेले उन्हें झगड़ा नहीं हुआ, हम पानी भरने के लिए गए तो उसने दारू पिए था, उल्टा सीधा बोला तो हमने जवाब दिया तो वो गाली देने लगा और फिर नल पर जबरदस्ती करने लगा। हाँ चुरारा। हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट देकर हमें जरूर बताएं। हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। बुंदेलखंड की तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल बुंदेलखंड न्यूज 24।